जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी प्राथमिक विद्यालय और विद्यार्थियों को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए स्वेटरों का वितरण करवाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के लचर कार्य प्रणाली के चलते 6 दिसंबर तक जनपद के कई प्राथमिक स्कूलों में छात्र छात्राओं के स्वेटर वितरण नहीं हो पाए हैं। हाल ही में ताजा मामला ललितपुर की तहसील मोहरेनी के अंतर्गत ग्राम कुरेरा के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल में 200 छात्र छात्राओं के छात्र अंकन है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में स्कूल में केवल 24 मासूमों को 6 दिसंबर तक स्वेटर का वितरण किया गया है। जितेंद्र प्रताप सिंह जी, किस विद्यालय में है? प्राथमिक विद्यालय करोरा में है। जितेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान अध्यापक। अच्छा, आपके यहाँ जो स्वेटर वितरण का कार्यक्रम था, कितनी स्वेटर आए, कितने वितरण हो चुके, कितनी बच्ची हैं? बच्चे हमारे यहाँ संख्या 204 हैं, और जो विभाग से स्वेटर प्राप्त हुए हम बांटते हैं। कितनी बेट 24 मिले हैं, 24 बांटे। 204 बच्चों में 24 स्वेटर बटी। अभी और कह रहे थे कि मिल जाएंगे, आने वाले हैं। बच्चों की गुणवत्ता कैसी है? तारीख कितनी है? गुणवत्ता अच्छी है। तोल के बांटे गए हैं, तो कुल भी स्वेटर 157 ग्राम से 160 ग्राम से नीचे नहीं। किसी अधिकारी की ड्यूटी लगी थी, कौन अधिकारी आया था बटवाने? हमारे यहाँ खंड शिक्षा ग्राम विकास अधिकारी की लेखपाल महोदय की ड्यूटी लगी थी, उन्होंने कुछ बटवाए हैं। कुल 24 स्वेटर बट रही एक दिन में अभी तक, कुल 5। बेटू, क्या नाम तुम्हारा? सीना। क्या मैं पढ़ा? 4। स्वेटर मिला है तुम्हें? मुँह से बोलो। नहीं मिले। कितने और बच्चों को मिल गया है? अरे कुछ को नहीं मिला। नाम तुम्हारा? खुशबू। क्या मैं पढ़ा? अच्छा, तुम्हें स्वेटर मिला है? नहीं मिला। तुम्हें मिला बेटा स्वेटर? नहीं मिला। क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? कितने पढ़ती हो? स्वेटर मिला? नहीं मिला।